अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासीन और आपके सामने मौजूद हूँ बात करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी स्कोप इन पाकिस्तान, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आफ्टर दिस डिग्री व्हाट आई कैन डू, जॉब स्कोप, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो बिला तहीर अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज। बायोटेक्नोलॉजी एक तादाद जब MBBS BDS में नहीं जा पाती तो वो रुख करती है कोई ऐसी फील्ड्स जिनका स्कोप अच्छा है, ऐसी फील्ड के साथ उनका पैशन होता है, या कुछ ऐसे तालबिल का जिनका शौक होता है यहाँ किसी रिसर्च की फील्ड में जाना है। जब ऐसे तालबिल जो सिलेक्शन का आगाज़ करते हैं ना तो बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम सामने आता है। अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या? सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि बायोटेक्नोलॉजी ये किस चीज़ की स्टडी है, ठीक है जी। अब याद रहे यहाँ पे दो वर्ड हैं, बायो और टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर बायोलॉजी भी नज़र आ रही है, हमें टेक्नोलॉजी भी नज़र आ रही है। आपको मैं आम अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ कि इस मौसम के अंदर जिस तरह अब सर्दी है गर्मी है कोई चक्कर नहीं है, मौसम जो मर्ज़ी है आपको हर किस्म का जो है ना वो सब्ज़ी मिल रहा है, ठीक है। जिस तरह के गाजर कह लें, अब आपको कहते हैं बेमौसमी गाजरें भी आपको मिलती हैं, जिस तरह उनका कलर क्या होता है ऑरेंज होता है, वैसे गाजरों का कलर क्या होता है रेड होता है, कि आपको कलर क्या मिल रहा होता है जी ऑरेंज कलर। बेमौसमी कहते हैं चाइना की गाजरें, चाइना की नहीं होती ये बेमौसमी होती हैं, ठीक है। ये कैसे बनती हैं? अच्छा ऐसी मैंने आपको बताया दो वर्ड हैं बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो की फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद जिस तरह के बिस्किट्स, किसी ने सोचा था कि बिस्किट भी बन जाएगा ऐसे एक अर्सा कबल, बिस्किट भी बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, वनीला एसेंस बन जाएगा, जिस तरह हमने कहा जी यार हमने केक बनाना है लेकिन उसके अंदर जो है ना वो आए कैसा जायका आए जी, कस्टर्ड बनाना है, जायका कौन सा आए वनीला का आए, वनीला एसेंस डाल दो, बेकिंग पाउडर डाल दो, ये चीज़ें डाल नहीं, लेकिन ये चीज़ें कल तक नहीं थी, आज ऐसी आ गई हैं। ये कैसे आई हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है, ठीक है जी, यानी कि हमने टेक्निक्स का यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है बायो की फील्ड में, ठीक है जी। अब जिस तरह के ऑक्सीजन आए हैं, जिस तरह के कोई कहने की सब्ज़ी नहीं ना उग रही, उसका मौसम चला गया, उसको आर्टिफिशली उसको हमने जो है ना वो उसको ज़मीन से निकालना है, ज़मीन में उग जाए, ज़मीन में ऐसी कुवत पैदा हो जाए कि वो बेमौसमी चीज़ों को अपने अंदर जो है ना वो इन्हांस करवाए, वो चीज़ें पैदा हो जाए। उसके लिए क्या होता है? ऑक्सीजन साइंस कुछ होते हैं, ऑक्सीजन स्प्रे आप वो लगाते हैं, वो चीज़ें बेमौसमी उगंदी हैं, ठीक है जी। ये कैसे हुआ? ये हमने कैसे सोचा? ये टेक्निक लगाई ना, टेक्निक लगाई किसकी फील्ड में? बायो की फील्ड में। तो बायो की फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है जी। ये बिस्किट्स हो गया, ये बेमौसमी फल हो गए, बेमौसमी गाजरें हो गई, बेमौसमी सब्ज़ियाँ हो गई, ये बेमौसमी कोई भी चीज़, ये किसके लिए? एक सहूलत के लिए, इंसान मैनकाइंड की इनकी सहूलत के लिए चीज़ों को जो है ना वो इन्हांस करवाना, ये किसकी फील्ड है जी? बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है। मेरे ख्याल से आम अल्फाज में मैंने गुफ्तगू का जो है ना वो आगाज़ किया, इनकी बड़ी आम इनकी ये याद रहे कि बायोकेमिस्ट्री है और एक बायोटेक्नोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री खास रिसर्चड फील्ड है, रिसर्च फील्ड है, वो जो रिसर्च होती है ना, ठीक है। अब रिसर्च तो हो गया, ये चीज़ें ये है, ये चीज़ ये है, ठीक है जी। बेमौसम इस मौसम में ये चीज़ हो सकती है, इस मौसम में ये चीज़ नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, इस वजह से नहीं हो सकती, वो क्यों नहीं हो सकती, उस वजह को हमने किस तरह ख़त्म करना है? टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस वजह को हमें ख़त्म करना है और बेमौसमी चीज़ों को उगाना है, वो कौन सी फील्ड है? वो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, ये उन चीज़ों को टेक्निक्स की मदद से हम जो है ना वो इन्हांस करवाती है, यानी कि उनको बेमौसम चीज़ों को मौसम में लेकर आती है। इसका जो है ना यूज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है, फूड डिपार्टमेंट में होता है, वो मुख्तलिफ रिसर्च की फील्ड में जो है ना इसका यूज़ होता है, किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके अंदर अप्लाई करने के लिए मेरिट पॉलिसी क्या है? अब याद रही यहाँ पर दो इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो 45% मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दिस प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पर लगता है मेरिट पॉलिसी। अब जो एक ऑफिशियली जो क्राइटेरिया बताया गया था ना वो 45% है, अब इदारे का मेरिट इतना हाई है कि वो मेरे बच्चे ज़्यादा हैं और उनके पास सीटें कम है तो मेरिट ऊपर चले जाता है। प्राइवेट अगर आपने अप्लाई करना तो वो 45% भी हो जो है ना ऐसे इदारे हैं जो आपको एडमिशन दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो वहाँ पर तो मेरिट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन मैंने आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया, जिस इदारे में आप अप्लाई कर रहे हैं उस इदारे का क्राइटेरिया देखें, अगर उसका मेरिट पॉलिसी क्या है, ठीक है, कि वहाँ पर मेरिट लग रहा है या मेरिट नहीं लग रहा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली बात है कि मेरिट कम ही लगता है, कि मैंने आपको बता दिया स्कोप, देयर इज नो टेस्ट रिक्वायर्ड, कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है ऑफिशियली। इदारा चाहे टेस्ट ले ले, इदारा टेस्ट ना ले तो इदारे पर डिपेंड करता है, ऑफिशियली चीज़ें नहीं हैं। अच्छा ये भी हमने कर लिया, अब हमने ये फील्ड भी कर ली, इसके बाद जॉब कौन कौन सी हैं, स्कोप किन किन चीज़ों में? इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है ना ऐसी बायो ये भी आप करते हैं ना, ये बायोटेक्नोलॉजी इसकी जॉब ऑफर होती हैं किसी डिपार्टमेंट में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, केमिकल एंड बायो प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में,
उसके बाद आपकी मेडिकल लेबॉरेटरीज में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल सेक्टर में आपको जॉब ऑफर होती हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजी में जॉब ऑफर होती हैं, मेडिकल रिसर्च में डिपार्टमेंट में आपको जॉब ऑफर मिल जाती हैं, उसके बाद टेक्निकल स्पोर्ट्स सॉल्ट स्टाफ इंडस्ट्री के अंदर जो है ना आपको जॉब ऑफर हो जाती हैं। टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस भी बहुत ज़्यादा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस है। और लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप नहीं है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी फील्ड है। देखिए ना कि ये बेमौसमी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, ये जितनी हम बेमौसमी चीज़ें छोड़ दें, ये जितनी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ गई, ये यानी कि आलू चिप्स जो है ना हम खाते हैं, लेज जिसे कहते हैं, ये उस फॉर्म में कैसे आ गई जिस तरह आप घरों में बनाएंगे, कैसे बनती है, नहीं बनती। ये जो हमने क्रिस्पी सी हमें मिल जाती है, कैसी है? बायोटेक्नोलॉजी की मरहूनी मेहनत है। वो कोई भी जो चीज़ ऊपर पाउडर लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है ना सामने आया। ठीक है जी, आप बिस्किट्स खाते हैं, ये पता नहीं कितनी चीज़ें जो है ना सामने हमारे सामने आ गई, ये कैसे बनती हैं? बायोटेक्नोलॉजी। मेरे भाई फील्ड बहुत बड़ी है ये। देखिए मेरी बात सुनिए, जो कहते हैं स्कोप नहीं है इसमें, स्कोप फील्ड में नहीं होता, स्कोप बंदे में होता है। अगर बंदा स्कोप वाला नहीं है, उसको ले जाओ हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, नहीं तरक्की करेगा। बंदा स्कोप वाला है, लाल टैन के स्कूलों में बैठ के भी बड़ी ऊपर तरक्की करता है। स्कोप बंदे में होता है, फील्ड में नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया, टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आपने आपको, ये किसी की स्टडी है ये बताया, क्योंकि ये वो तमाम तरह गुफ्तगू थी। मज़ीद जो अगर आपने इसको देखना हो, आप इसी का आर्टिकल abdulrahmanfoundation.com के ऊपर जाकर देख सकते हैं, कैरेट काउंसलिंग के सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, व्हाट इज़ दिस क्राइटेरिया, क्या आप सही से एक बार जो है इसको पढ़ सकते हैं। अब तक लेते था मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट www.abdulrahmanfoundation.com विजिट कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, वमा लेना इलाज बलबीन, थैंक यू।